सात साल के लंबे इंतजार के बाद मोदी फोरम पलहेड़ा शूटिंग रेंज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजों से एक बार फिर गुलजार हो गया। तीसरी फ्री स्टेट उत्तर प्रदेश निशानेबाजी और 39वीं 22 बोर ओपन साइट राइफल निशानेबाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। जिलाधिकारी जगत राम त्रिपाठी और द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष एमपी सिंह ने 10 अगस्त तक चलने वाली चैंपियनशिप का आगाज किया। ओलंपियन एमपी सिंह ने जिलाधिकारी का बुके देकर स्वागत किया। डेन गैलेक्सी के निदेशक रोमी शिव ने सिटी मजिस्ट्रेट केशव कुमार का स्वागत किया। इस मौके पर उभरते हुए शूटर्स और उनके परिजनों को जिलाधिकारी ने सम्मानित किया। निशानेबाजों ने पहले दिन सिंगल ट्रैप में अपनी अचूक निशानेबाजी से क्ले बर्ड पर निशाना साधा। 7 साल से वीरान पड़ी पलहेड़ा शूटिंग रेंज को ओलंपियन एमपी सिंह ने संचालित करने का फैसला लिया है, जिसके बाद उनकी द्रोणाचार्य स्पोर्ट्स डेवलपमेंट सोसाइटी ने शूटिंग रेंज को गोद ले लिया। वो अच्छा करेंगे और ऊपर बढ़ेंगे और देखते हैं फिर क्या करते हैं। वो अच्छा मतलब इस रेंज पे मैं कंपटीशन देखते हैं, खेलते हैं, अच्छा होगा और जो खेल रहे हैं नए नए वो अच्छा करेंगे और सारे जो भी नए नए आए हैं वो अच्छा करेंगे। इसमें हमारे पास 850 करीब एंट्री आ चुकी है अभी तक, जो कि काफ़ी लार्ज नंबर तक है। और इसके बाद जो हम UPSR के साथ बैठ के मीटिंग करेंगे और आगे फ्यूचर प्लान बताएंगे कि कौन सा टूर्नामेंट हमारे पास हो जाएगा, तब तक हमारी रेंज इससे बेहतर कंडीशन में हो जाएगी। इसमें कोचिंग तो सेल्फ कारगर है, पर जो आपने इसमें सेल्फ फाइनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो यहाँ पे द्रोणाचार्य डेवलपमेंट स्पोर्ट्स सोसाइटी जो ये रेंज चलाएगी अभी से, यहाँ पे लोग बच्चों को मिनिमम से मिनिमम खर्चे पे क्लेबर्ड मिलेंगी, टारगेट पेपर मिलेंगे और वेपन्स जिन बच्चों के पास नहीं है उन्हें हम अपने वेपन देंगे। शूटिंग के क्षेत्र में मेरठ जिला बहुत ही धनी है और मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि यहाँ बहुत सारे शूटर्स हुए हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो रियो ओलंपिक हो रहा है यहाँ के शूटर्स जो हैं पदक प्राप्त करेंगे।